नमस्कार। संध्या सात बाजिबा को जाउछि आ दिनर प्रमुख खबर सह प्राइम ओडिसा रे हाजर होइछि मु शक्ति साई मिश्र। आगो को बढ़िबा किंतु प्रथमे देखिनबा कोन रहिछि वर्तमान रे हेडलाइंस। चंचकता रहला पर्दाफाश, एथर पंचायत निर्वाचन रे मिलिबनि स्थान संरक्षण सुविधा, कोर्ट का हस्तक्षेप परे नुआ नोटिफिकेशन आणिबे राज्य सरकार। देशर चिंता बढ़ाऊ ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या तो पिला 250, राज्य में आज दुई ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट पर संख्या 4 को वृद्धि। चित हत्याकांड केबे उठिबो पर्दा, तदंतकारी संस्था क्राइम ब्रांच परिवार पणिया को नहीं उठिला प्रश्न। परिवार लोकों संतोष, अभियोग आधार में होनी तदंत, कहा छत्र छाय तले अपराधी। विवाद रे संजय दास वर्मा एंड को। खोलने बंदी खड़ा पड़ी रही सुनार फसल, एपटे चासी गणना प्रक्रिया को नहीं विरोधी उठाइले प्रश्न। सरकार कहते प्रथम पर्यायर 76 लाख चाषी को मिल कृषक परिचय पत्र, चलित बर्ष गृह 48 लाख चाषी थिबा नहीं मंत्री रखी तथ्य। रेलपथ कामरे राज्य अबाधक, आरटीआई तथ्य खोलिला सरकार का पोल। बलांगीर खोर्धा रेलपथ पाई होइथिबा राजनामा अनुसार अर्थ देउनाहंती राज्य सरकार, जमी अधिग्रहण और परिवेश मंजूरी देवारे भी हेउछि विलंब। महंगा पड़ा मिछ केस क्षुब्ध है हाइकोर्ट, मिछ केस रे सुभाषीष और तांको साथी को फसाइबा घटना रे पुलिस विरोध में कार्यानुष्ठान पाई हाइकोर्ट निर्देश देइथिबा नै वकील देले सूचना। गो चलाण रा पर्दाफाश करिथिबा सुभाषीष होइथिले गिरफ। केबे हेबो बात्या जवाद क्षय क्षति आकलन, सत्यवादी गंजाम और गहगा पाटरे चासी असंतोष, उजुड़ा फसल धरी चासी का विक्षोभ, जवाद जंत्रणा रे छटपट चासी। सड़क दुर्घटना पाई दायी किए, परिवहन और पूर्त विभाग मध्ये दोसल अदालती, स्वास्थ्य और पूर्त विभाग अवहेला को दायी कला परिवहन विभाग। गत 11 मास रे भुवनेश्वर रे घटी 532 दुर्घटना, जाई 149 जीवन। सुप्रीम कोर्ट का राय अनुजाई हुई नहीं संरक्षण व्यवस्था, चलित पंचायत निर्वाचन रे ओबीसी बा पछुआ वर्गों पाई कौनसी आसन संरक्षण रहिबा। हाइकोर्ट का निष्पत्ति परे सरकार का ओबीसी प्रति आंतरिकता नहीं विरोधी उठाई प्रश्न, बीजेडी रखी जवाब। हाइकोर्ट का निर्देश परे बदली गला पंचायत निर्वाचन गणित, पछुआ वर्ग को मिलिबा नहीं संरक्षण व्यवस्था। पछुआ वर्ग को संरक्षण न मिलिबा पछरे रही राज्य सरकार को हाथ, पंचायत निर्वाचन में रहिबनी ओबीसी संरक्षण। पछुआ वर्गों पर संरक्षण निमन्ते महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र में गत डिसेंबर 17 में सुप्रीम कोर्ट जो आभिमुख्य ग्रहण कले राज्य पंचायत निर्वाचन गणित को बिगाड़ी। जदि कौनसी अंचल में पछुआ वर्ग मान जनसंख्यार निर्दिष्ट तथ्य उपलब्ध तबे से अंचल में पछुआ वर्गों पर उद्दिष्ट आसन अणसंरक्षित रही सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करते। फल पंचायत निर्वाचन में ओबीसी संरक्षण आदौ रही बरं अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों पर आसन संरक्षित पर बाकी आसन अणसंरक्षित साधारण वर्गों पर उद्दिष्ट हो। सुप्रीम कोर्ट कर ए राय को आधार कर राज्य सरकार को आउ थे संरक्षण तालिका प्रकाश करने हाइकोर्ट। सुनंतु एने कौन कहते पंचायतीराज मंत्री मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कर दुईट राज्यपाई गोटे निर्देश थिला, जेहेतु ओबीसी रे कौन सी जनगणना नहीं तेणुक ओबीसी रिजर्वेशन रही से आधार करी मान्यवर हाइकोर्ट मध्य गोटे निर्देश देखते कि ओबीसी को पाई कौन सी रिजर्वेशन रही ओबीसी सीटा अनरिजर्व सीट हम। सेपटे हाइकोर्ट कर ए राय परे राज्य सरकार को आभिमुख्य उपरे प्रश्न उठी।
विरोधी अभियोग ओबीसी कमिशन गठन होबार 1.5 वर्ष पर भी ओबीसी जनसंख्या सर्वे करान जाइथिबारु एभली परिस्थिति सृष्टि होईछि आ एहारो जवाब रखिछि बीजेडी हम प्रति घोर अन्याय घोर पाप करिसंते घोर अन्याय करिसंते 50 वर्ष अधिक अधिक हमें ओबीसी हाईकोर्ट स्पष्ट कहिले राज्य सरकार जो दायित्व न्यस्त थिला सेमानकर जनसंख्या अनुपात संरक्षण दबापाई राज्य सरकार से कथा करी नहांती तेणु ओबीसी माने वंचित हेबे ये कथा स्पष्ट न करी जो कथा कहउछंती कोर्ट कहिले बंद करबाकु एहा अर्धसत्य कहिबि ना मिथ्या कहिबि माननीय हाईकोर्ट आज जो अर्डर देइछंती निश्चित रूपे आईन की सम्मान दबा भी आमर काम एवं आईन ता बाटरे निष्पत्ति नब कोबले कार्यक्रम करिबा अनेपटे सांबादिक सम्मेलन करी राज्य सरकार ओबीसी प्रीतिर गुमर खोलिछंती पूर्वतन केन्द्रमंत्री श्रीकांत जेना राज्य सरकार जो कथा ड्राफ्ट रिजोल्यूशन करीथिले से जानीथिले जे ये काट खाइबो बोली एवं केवल लोकंकु जणैया पई जे आमे ओबीसी पई बड़ व्यस्त ए प्रकार एक नाटक करा जाय थला तबे कोर्ट स्पष्ट करिसेंती जे पंचायत निर्वाचन प्रतिनिधि मानंकर कार्यकाल शेष पूर्व राज्य रे पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया शेष हेबो डिसेंबर 27 रे पंचायत संरक्षण संपर्कित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बा चिट्ठा विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो जिलापाल माने एहा उपरे आपत्ति बा अभियोग आह्वान करिवे जनवरी 3 सुधा आपत्ति अभियोग दाखल हेबो 5 जनवरी सुधा जिलापाल माने आपत्ति अभियोग उपरे निष्पत्ति ग्रहण करिवे यहाँ परे जनवरी 7 तारीख दिन राज्य निर्वाचन कमिशन को चूड़ांत संरक्षण तालिका संक्रांत में अवगत करा जहाँपर जनवरी 8 रे पंचायत निर्वाचन चूड़ांत विज्ञप्ति प्रकाश पाइब महांगारु असित सामल सह भुवनेश्वर सुशांत साहू प्रदीप्त महापात्र और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज ओमिक्रॉन को नहीं देश में बढ़ला चिंता स्थिति समीक्षा करिछंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रे दुई नुआ आक्रांत चिन्हट हेबा पर स्थिति देखि कटकणा कड़ाकड़ी करबा को जिलापाल और म्युनिसिपल कमिश्नर को दायित्व दे जायछि डेल्टा थारो ओमिक्रॉन द्रुत गति रे व्यापुथिबारु कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन करबा को सतर्क करिछंते स्वास्थ्य विशेषज्ञ ओडिशा रे आउ दुई ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट राज्य रे मोट आक्रांतों संख्या 4 को वृद्धि तमिलनाडु रे गोटिए दिन रे आसिला 33 नुआ केस दिन को पूर्व 180 रे थिबा ओमिक्रॉन केस गोटिए दिन परे 250 टपिछि तमिलनाडु रे गोटिए दिन रे 33 नुआ केस चिन्हट होइछि महाराष्ट्र रु सर्वाधिक 65 मामला आसिछि सबटे राज्य रे दुई नुआ ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट परे याकु मिसाई मोट केस 4 रे पहुँचिछि नुआ दुई आक्रांत नाइजेरिया फेरंता ओमिक्रॉन स्थिति को नहीं केंद्र स्वास्थ्य सचिव राज्य सरकार को आलोचना होई ओमिक्रॉन नहीं राज्य उच्चस्तरीय बैठक में होता निष्पत्ति अनुसार कटकणा आहुरी बढ़ कटकणा कड़ाकड़ी करने को जिलापाल और म्युनिसिपल कमिशनर को दायित्व दि जाएगी सर्वेलांस बढ़ावा बाकी लोकं टीका देवा जिनम सिक्वेन्स बढ़ावा को निर्देश दि जाएगी से दैनिक 70,000 अधिक टेस्ट करने को निर्देश दि जाएगी दुज ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ जड़े 11 वर्ष जड़े हूँ 13 वर्ष से मैंने नाइजेरिया बापा माँ का सांगे से चारज आसी ये दिज पजिट बाहर छुआ दुटा आने बापा माँ नेगेट समस्त को निर्देश दिखाई गोटे है टेस्टिंग केमी अधिक बढ़ेगा फास्ट डोज रेक पिटफल्स अच्छी केमी आम करवा तृतीय जिनस बॉर्डर एरिया गुड़ाकर सर्भेलांस कोरोनार नुआ वारियंट ओमिक्रॉन द्रुत गति में संक्रमित होता बढ़ी चिंता यह डेल्टा वारियंट ठार क्षिप्र गति में संक्रमित होनि दिन में केस डबल होता विशेषज्ञ से कोविड सतर्कता पालन करने को परामर्श दि जाए कंग्रिगेसन इज गोइंग टू भेरी डेंजरस तेणु आम जो गैदरिंग हो लोक मैंने बेस संख्यार एकत्रित होती सेठी वायरस स्प्रेड कर चान्स बहुत अधिक तृतीय लहर रोकने को केन्द्र सरकार राज्यगुड़ी को चिठी लिखिंट 10% रु अधिक संक्रमण चिन्ह होता अंचल को कंटेनमेंट जोन घोषणा करने को निर्देश दि जाए बाहागर एवं अंतिम संस्कार रे लोकों संख्या कम करने बड़ बड़ सभार नियम कड़ाकड़ी करने को परामर्श दि जाए आगक नर्ष थे गाइडलाइन रिपोर्ट भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज पदारे पड़ा राज्यर सर्वोच्च तदंतकारी संस्था क्राइम ब्रांच फारिबा पणिया चित्तरंजन हत्याकांड को 11 दिन बीतवा को बसीता बेले घटना उपरु पर्दा उठाई पारिला नाही क्राइम ब्रांच सेपटे क्राइम ब्रांच तदंत को नहीं परिवार लोके असंतोष प्रकाश करिथिबा बेले
एबे रहस्य उपरु पर्दा उठाई पारिबो त तदंतकारी संस्था एहाकु नै सृष्टि होईछि अनेक प्रश्न। योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा व्यक्तिगत सहायक चित हत्याकांड को नहीं अंधारे क्राइम ब्रांच अंधारे सारा राज्य घटना उपरू परदा उठाई पारा ना राज्यर सर्वोच्च तदंतकारी संस्था क्राइम ब्रांच चित्तरंजन पल्लेंकर सरला दस दुख सरला एगार कर्म हेले अपराधी को धरी पारानी क्राइम ब्रांच आ परिवार लोकंक अभियोग आधार रे क्राइम ब्रांच करूना तदंत एक खोलाखोली परिवार लोके कहिबा परे एबे तदंत को नहीं सृष्टि होईछि अनेक प्रश्न एपरिक क्राइम ब्रांच रो तदंत इंगित करिछि चित्तरंजन मृत्यु हत्या नुहे बरंग दुर्घटना जनित मात्र क्राइम ब्रांच तदंत रे परिवार असंतोष व्यक्त करिछन्ति एबे प्रश्न दोषी केउठी किए सुरक्षा देछि अपराधी को कहा छत्र छाया तले अपराधी रही सुरक्षा रे घटना पछरे कहार से बड़ हाथ तदंतकारी संस्था पूर्व कहीं एडीएम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कले लिक अरुण मान आम जहाँ तदंत कमिशनर पाखे बयान देखु सीपर्त तदंत परिसरभुक्त होना अरुण साहू अरुण मिश्र ना नहीं आम आमर क्राइम ब्रांच को कही अरुण मिश्र एमती अरुण मिश्र सहित आम चित्तर झगड़ा होता तेणु सी संपुक्त थपारती ये कथा एपर्तंत सी एपर्तंत सी तदंत कमिशनर परिसरभुक्त होती कि ना आम किसी जान पार सेपटे चित्तरंजन मृत्यु पर बिवाद को आसी ब्रह्मगिरी पूर्वतन विधायक तथा योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा संजय भूमिका को नहीं खोद प्रश्न उठाई चित्तंक पत्नी और परिवार लोके संजय किसी कार्य आहुरी संदेह भितर को टाणी पूरी सर्किट हाउस एकाधिक दिन संजय दास वर्मा रहा विरोधी अभियोग सत्वे सर्किट हाउस सीसीटीवी जांच न होगा चित्तंक बड़ बापा को साथीरे धरी एसपी ऑफिस को जीवा संजय बिना परामर्श से चित्तंक बड़ बापा गणमाध्यम मुह न खोलिबा एवं संजय ना नेबार दुई दिन पर संजय चित्तंक घर को जाई घंटा घंटा आलोचना करिबा लागुनी न्याय मिलो भले जुआड़े की केस गति जाऊँगी देखु एत लंबा समय है से पिला कथ आदाय करने भाव पुलिस प्रशासन करुच्ची मत लगुनि सतकता बाहर क्राइमब्रांच सब तथ्य को नष्ट लगी तेणु माटीर ब्रह्मगिरी माटीर पु को न्याय देवाई आम सीबीआई इनक्वारी दाबी करुचु एवं प्रथम संजय दास वर्मा जेहेतु तर चतुर्पार्श्व लोक तदंत भितर रही तेणु संजय दास वर्मा तुरंत इस्तफा देवा दरकार आलु खोलिले बाहर कि महादेव चेर को धरले मिलजीव कि गछर संधान आ गछ भयर चेर से हाथ मारूनी कि क्राइमब्रांच यहाँ नहीं सृष्टि होइछि अनेक प्रश्न प्रथम तदंतकारी संस्था तदंत को बाट बना करुथुबार आसी संगीन अभियोग पुरीरु कालचरण साहु आलोक आशुतोष नायकों स्वप्नांजलि महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज खोलुने मंडी बढ़ी चाषी समस्या हाड़ भंगा शीतरे धान जगी रही चाषी सेपटे चाषी गणना को नहीं राज्य सरकार को टार्गेट करिछंति विरोधी कृषक ओडिशा कार्यक्रम रे राज्य सरकार जो 76 लाख चाषी को कृषक परिचय पत्र देबे ताकू नहीं उठी प्रश्न चाषी दुर्दशार ये चित्र आसी गंजाम जिलार जिलार आसिका धराकोट शेरगड़ अंचल चाषी प्रथमे दैव दुर्विपाक एवं परे दाउ साधुछंति राज्य सरकार प्रथमे नियंटिया वर्षा परे धान अमल बेलकु लगाण वर्षा एवं वर्तमान मंडी समस्या को नहीं चिंतार चाषी वर्तमान सुधा अनेक अंचल रे मंडी खोलिने चाषी कष्टमस्ते धान अमल करी जगि बसिछि बात्या प्रभाव रे होइतबा लगाण वर्षारे व्यापक धान फसल नष्ट होइतिला पाचिला धान वर्षा पानी रे भिजि पचि नष्ट होइतिला एबे मध्य से वर्षा भिटा धान अनेक स्थान रे खेतरे पड़ी रही केतेक स्थान रे लोके फसल सह पानी रे भिजि जाइतबा धान को अमल करी रास्ता घाटरे सुखाइबा को चेष्टा करछंती मंडी खुली नथिबारो पानी रे भिजा धान अधिक दिन रहिले खराब होइजबार भय रहिछि तणु ताहाको किभली बिक्री करिवे से चिंता एबे घारिछि
ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଆସିକା ବ୍ଲକରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ କୌଣସି ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧାନ ନ ବିକି ମଣ୍ଡିରେ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆସିକା ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ। ଧାନ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାହା ହୋଇଥିଲା କିଛି ଭଲ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ପଛକୁ ପଛକୁ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସବୁ କ୍ଷତି ହେଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲୁ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେକିରି ଝିକିରି ଆଣିଲୁ, ଏବେ ଟିକିଏ ଖରା ହେଲା ଆଣିଲୁ, ଆଣିକିରି ଏଠି ମନ୍ତାମନ୍ତି କରି ଘରକୁ ନେବୁ ବୋଇଲେ କିଛି ଶୁଖିନି, ଭଲେଇକିରି ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, DLPC ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ କୌଣସି ବେପାରୀ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଦେଶ ଦିନ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 67 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷକ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ଭାଗଚାଷୀ, ଜମି ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ବୃହତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ, ମାଛ ଧରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2021ରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ଗଣନା ହିସାବକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। କୃଷି ଗଣନା 2015-16 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 48,65,850 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,05,184, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 36,36,685, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ 8,87,272, ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ 3,37,945 ଏବଂ ବଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,975 ରହିଛି। ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, 76 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ? ଏହାଛଡ଼ା ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟରେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି, କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ 48 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତମେ କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଏବେ 76 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ କୋଉ ଗଣିତରେ ହିସାବ କଲା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀ କିଏ ତା ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବେ କିଏ? ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏ ସରକାରଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ନିଘା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାନ ନ ଉଠିବା, କଟନୀ ଛଟନୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ରେଳପଥ କାମରେ ରାଜ୍ୟ ବାଧକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳପଥ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଅଧା ଅର୍ଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆସିଥିବା ଏ ତଥ୍ୟ ରେଳପଥ କାମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି ତାର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ପାଇଁ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟକୁ। 2015 ଜୁଲାଇ 20ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ରେଳପଥ କାମ ପାଇଁ ଅଧା ଅଧା ଟଙ୍କା ଦେବେ ଦୁଇ ସରକାର। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1,91,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି ମାତ୍ର 483 କୋଟି। ପୁଣି ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ମାଗଣା ଜମି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼କୁ 112 କିଲୋମିଟରରୁ 180 କିଲୋମିଟର, ଦଶପଲାରୁ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 68 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା Stage 1 ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ମିଳିନି। ସେହିପରି 180 ରୁ 238 ଓ 238 ରୁ 298 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ବି Stage 2 ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦୂରତାକୁ ଏମାନେ ସମୟସୀମା ଭିତରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ 298 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ କରିପାରିବେ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜମି ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରବାରରେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମୋଟ 29 କିଲୋମିଟର ରେଳ ରାସ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ଏ ଯାଏ ଅନେକ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି। ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟେସନ କାମ ବି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧର ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାରେ 106 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ଯାଉଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନି। ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ସରକାରଙ୍କର। ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ନିର୍ବାଚନ ତାର ଧାରାରେ ହେବ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରେଳ ନିର୍ମାଣ କାମ, ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଟକି ଯିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଟାକି 106 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ସେଇ କାମ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ପଇସା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। 299 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3791 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିବା ବେଳେ 2021-22 ବଜେଟ୍ରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ 1994-95 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ 27 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଇନ୍ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏହି ଲାଇନ୍ଟାକୁ ନୂଆ ଲାଇନ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଆଗେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା, ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ। ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାୟାର୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଠି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳିସାରିଛି, ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅତି ତେଜିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ମାନେ ରେଗୁଲାର ୟାର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମନିଟରିଂ ହେଉଛି। ୟୁପିଏ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 838 କୋଟି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ସମୟରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 4126 କୋଟି ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5795 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 6995 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଅନୁଦାନ ସିନା ମିଳୁଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଆଗେଇ ପାରୁନି ଅନେକ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପୋଲିସର ମିଛ କେସ୍ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ମିଛ କେସ୍ରେ ସୁଭାଶିଷ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଫସାଇବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୋଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପରେ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମିଛ କେସ୍, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ମିଛ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଫସାଇଥିଲା ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ। ପୋଲିସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗୋଚାଲାଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିବା ସୁଭାଶିଷ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖର। ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଳିରେ ଅଟକାଇଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ। ଆଳି ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଲେ, ହେଲେ ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଥାନାରେ ମାରପିଟ କଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ବି କଲେ। ଆଇଆଇସି ଗୋରୁ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିବାରୁ ମିଛ କେସ୍ ଲଗାଇକି ଆମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆଇଆଇସି କୋଉ କେସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୁଭାଶିଷ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଇଲେ ଡକାୟତିର ଦଫା, ହେଲେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗାଡ଼ି ଯାହାର ତା ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲେନି। ପରିବାର ଲୋକେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଆଳି ଥାନା ଆଇଆଇସି, ଏସ୍ଆଇ ଓ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ପୋଲିସକୁ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରିବ ତାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଡରିବେ। ତେଣୁ ଏ କନ୍ସର୍ନ ଏସ୍ପି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିସହିତ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ତା ଆବେଦନକାରୀକୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ଫସାଇଛି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ପୋଲିସ? କିଏ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। सठिक हेउनी बात्या जवाद क्षयति आकलन सत्यवादी गंजाम और घगा पाटरे चासी असंतोष उजुड़ा फसल धरी विक्षोभ करिसंती चासी सेबटे गरतपुर तहसील ऑफिस रे पड़ी ताला। सठिक हेउनी बात्या जवाद क्षयति आकलन तुरंत क्षयतिर आकलन कर सहायता प्रदान करने को नहीं चाषी हला बोल आम आपण को तीन टी दृश्य देखाऊ सत्यवादी गंजाम एवं गहगापाट ए दृश्य हूँ सत्यवादी प्लाकार्ड धरी तीन किलोमीटर शोभा तहसील कार्यालय सम्मुखें चाषी गणधारणा बात्या प्रभाव में चाषी क्षति सहित बेले राज्य सरकार से अणदेखा करयोग आषी क्षयति आकलन होना कि क्षतिपूरण मिलूना फनी आसला तार सहायता राशि आम पाइलु नहीं बारंबार इनक्वारी कराला किंतु घर भागला किंतु आम टाटे पाइलु ना द्वितीय जहाज आम क्षतिपूरण आम धान फन सब पोचीगला तापी कौन सरकार आम कि जानूना जेपर्यंत दाबी न हो पूरण न हो आम ये धारण में बस प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति बाट रही जाऊँगी किंतु लोक मैंने पहुँची पार्बे से लोक मैंने दुखित ये जिते जन आसते से संपूर्ण परिमाण दुखित ए दृश्य केन्द्रापड़ा गहगापाट चाषी को देखिए असरती जंत्रणा नष्ट होइतिबा धान फसल ठीक भावे आकलन होनथिबा प्रतिवादरे हाथ में उजुड़ा धान धरी गरदपुर तहसील ऑफिस रे ताला पकाइथिले चासी पांच घंटा ताला पड़ीबा परे तहसीलदार चासी को बुझासुझा करथिले मार्साघाई ब्लॉक समेत पाटकुरा और महाकालपड़ा निर्वाचन मंडली बंधकटा बछिराई परकुला राघवपुर आखुदा दक्षिणीपुरी पंचायत भातहांडी उजुड़ी जाइथिबारु विपन्न चासी को तुरंत सहायता देबा को दाबी होछि। दिन वर्षा है आज्ञा सब तो उजाड़ी नाला वर्षक आहार सब बर्तमान पिला छुआ कौन मोर खाइबे ना आज्ञा किए आसी आप सरकार को जनातु आप क्षतिपूरण भलमंद दे कि साइबू आप देखुं बर्तमान पा छिड़ा है गहगा पाटे जहाँ को आंठिए भाई पा छिड़ा है कौटे अंटाई भाई पा छिड़ा है आम ये से पचरा धान हो बर आम इनकम कमी करूँ से बाट भी ना आम ये बचू कमी खाइबू कौन ए दृश्य गंजाम बीजेपी बड़ धरणर आंदोलन रंगेलुंडा ब्लॉक एवं तहसील ऑफिस घेराव कले बीजेपी नेता और कर्मी लगाण वर्षा क्षय क्षति होता चाषी को क्षतिपूर्ण देवा दाबी लगाण वर्षा चाषी मान क्षय क्षति बहुत है सत्वे भी बीजेडी मीटिंग करना अफिसर मैंने बिलू को जाकि कौन चाषी समस्या बुझिना बीजेडी छाप लगे ये कम मिल ए भाया घूर्ण्य कम प्रतिवाद आज भारतीय जनता पार्टी आ प्रश्न पचारूँ जदि ये जारी रहे भारतीय जनता पार्टी लड़े कर लड़े 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 हम गड़े तड़े लड़े हम गोटेपटे वर्षकर परिश्रम मटे मिसार चिंतार चाषी अंपटे क्षतिपूर्ण पाइबाक नहीं सन्देह कारण हो पार्नी सठिक आकलन जहाँ चाषी को अंधकार भितर को ठेली देछि। सत्यवादी अमर शतपथी गंजाम रु पीतांबर नाहकों सहित केन्द्रापड़ा प्रभात लेंका रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।